नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम मनाएंगे ऐसा स्नैक जो कि आप पार्टी में सर्व कर सकते हो, जो कि बनने में तो आसान है, खाने में भी बहुत टेस्टी है और बनेगा एकदम इजी तरीके से। तो चलिए पहले हम उसकी फिलिंग बनाते हैं। ये लिया हमने एक पैन और इसमें हम 2 चम्मच तेल ऐड कर देते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा 1/3 चम्मच, राई पिंच जितनी हींग और अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले एक प्याज, एक बड़ी साइज का प्याज हमने कटिंग कर लिया है, इसे ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा सोते कर लेते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे एक गाजर, सभी चीजों को हमने बारीक कट किया है, एक छोटी शिमला मिर्ची और थोड़े से कॉर्न के दाने, यानी कि आधा बाउल कॉर्न के दाने। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच टुकड़ा अदरक का पिसा हुआ, आधा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ी सी हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, इन सब चीजों को मिक्स कर देते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 उबले हुए आलू मैश करके। आलू को हम हाथों से मैश करेंगे। आधा चम्मच जितना कसूरी मेथी, इसे भी मसल के इसमें ऐड कर देते हैं और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और सारी फिलिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। गैस को कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम बना लेते हैं 4 से 5 रोटी। ये नॉर्मल की हम क्या आटे की रोटी है जिससे हम रोटी बनाते हैं रोज खाने के लिए, बस वैसे ही बनानी है। सिर्फ इसे थोड़ा पतला रखना है और कच्चा सेकना है, ज्यादा पक्का नहीं सेकना है क्योंकि बाद में हम इन्हें तलने वाले भी हैं। रोटी हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये लिया है हमने आधा बाउल मैदा, इसे हम घोल लेते हैं। साइड में हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। रोटी पे हमने थोड़ा सा घी लगा दिया था, कहते हैं कि रोटी को ऐसे नहीं रखते हैं। अब इसको बीच में से इसे कट करेंगे, फिर वापस ऐसे इस तरह से भी वापस कट कर लेंगे, यानी कि एक रोटी की हमें 4 टुकड़े करने हैं। अब हम जो हमने मैदे का घोल बनाया था वो इसके ऊपर इस तरह लगा देंगे दोनों साइड में और इसे मोड़ लेंगे। इसे मोड़ के हमें कॉर्न का शेप देना है और अब हम इसमें जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसमें भर देते हैं कुछ इस तरह से। फिलिंग अच्छी तरह से भरें ताकि अंदर से खाली नहीं रहे। स्नैक को आप किटी पार्टी में या बच्चों की पार्टी में कभी भी सर्व कर सकते हो।
इस तरह से सारे बना लेंगे। सभी इसी तरह से भर के रख लें। ये हमारे कॉर्न बन गए हैं और साइड में हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब इनको ऊपर से पैक करने के लिए जो हमने मैदा खोल के रखा था उसमें इस तरह से डिप कर देंगे और इनको तेल में ऐड कर देते हैं। सभी को हमने तेल में डिप कर दिया है कुछ इस तरह से। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें निकाल लेंगे। गैस को रखेंगे मीडियम पे। जब इन्हें पैक करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें ये फटे नहीं। ये तल गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी को इसमें ऐड कर देते हैं। सारे दो कॉर्न रेडी, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। ये लिए हमने सॉस और ये लिए हमने नमकीन। अब इस सारे कॉर्नों को सॉस में डुबो के, नमकीन में डुबो के इस तरह सर्व करेंगे। ये हमारा नाश्ता बन के रेडी एकदम। ये देखने में तो अच्छे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी है और फटाफट से बन जाते हैं। छोटी मोटी पार्टी में आप इन्हें सर्व कर सकते हो बना के। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारे ये नया नाश्ता खा के कमेंट जरूर करें कैसे बने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।